आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूँ। जय भीम, हूल जोहार। जूठन आत्मकथा खंड दो के पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कहा था कि आज का एपिसोड समापन एपिसोड है। आज जूठन आत्मकथा खत्म हो जाएगी और टीम अंबेडकर नामा आप लोगों का आभार व्यक्त करती है इतने पेशेंस के साथ इसको सुनने के लिए। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से 2013 में उच्च शिक्षण संस्थान शिमला में एज अ फेलो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ज्वाइन करते हैं और जितनी तेजी से वे काम करते हैं उतनी ही तेजी से उनका स्वास्थ्य भी गिरने लगता है। वे इस बाबत डॉक्टरों की सलाह लेते हैं, काफी तरह के टेस्ट करवाते हैं लेकिन इलाज संभव नहीं हो पाता क्योंकि बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी। लेकिन तभी आगे जब वे कुछ और टेस्ट करवाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उन्हें क्या बीमारी है। डॉक्टर उन्हें तुरंत ऑपरेशन की सलाह देते हैं और कहते हैं कि यदि यहां संभव नहीं शिमला में तो दिल्ली जाकर करवाएं। अब आगे, बाहर काफी तेज बारिश हो रही थी जिसे देखकर मैं हमेशा खुश होता था लेकिन आज ये बारिश भी मेरी निराशा को दूर नहीं कर पा रही थी। जूठन आत्मकथा खंड एक के एक में वे इस बात का जिक्र करते हैं कि बरसात के दिन जो है वो नारकीय जीवन से कम ना थे लेकिन आज वे बरसात को एंजॉय करते हैं, उसे देखकर खुश होते हैं। ये सारा बदलाव उनकी पढ़ाई लिखाई के कारण ही संभव हो सका कि उन्हें ये एहसास हो सका कि बारिश के दिन इतने खूबसूरत भी हो सकते हैं। रास्ते भर रह रहकर मेरे मस्तिष्क में चंदा का ख्याल उभर रहा था। यदि मुझे कुछ हो गया तो चंदा एकदम अकेली रह जाएगी। इतने लंबे सहजीवन में हम कभी भी अकेले नहीं रहे, साथ सुख दुख जिए हैं, यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। चंदा जी को वे बहुत प्यार करते थे। हालांकि जूठन आत्मकथा में इस बात का जिक्र नहीं है लेकिन नेट पर सर्च करने के दौरान मैंने आर्टिकल में लिखा हुआ पाया कि चंदा जी को वे इतना प्रेम करते थे कि अपने घर का नाम भी उन्होंने चंदा जी के नाम पर चंद्रायन रखा था। संस्थान में डॉक्टर एम्ब्रोस पिंटो के बाद मेरे अध्ययन कक्ष में नई दिल्ली से डॉक्टर विभा अरोड़ा आ गई थी। जब मैं अपने कक्ष में पहुंचा तो वे वहां बैठी आराम कर रही थी। मुझे देखते ही बोली, वाल्मीकि जी बड़ी देर लगा दी, रिपोर्ट मिली? हाँ मिल गई, मैंने धीमे स्वर में कहा। सब ठीक तो है? कुछ सुस्त लग रहे हैं, दिखाइए रिपोर्ट। उसने अपना पन जताया। रिपोर्ट देखने के बाद कुछ नहीं कहा, सीधे आकर मेरे कंप्यूटर की कुर्सी पर बैठ गई और नेट से ढूंढकर उस रिपोर्ट से संबंधित तमाम जानकारी मेरे सामने रख दी। आप जानते हैं आपको क्या तकलीफ है? विभा ने गंभीरता से कहा। हाँ जानता हूँ, मेरे स्वर में छिपी हताशा को उसने पकड़ लिया था। ठीक है, सामान समेटकर अलमारी में बंद कीजिए और आप मिसेस वाल्मीकि को फोन कीजिए कि कल सुबह आप लोग दिल्ली जा रहे हैं, इस केस में देर करना ठीक नहीं होगा। उसने मेरी किताबें उठाकर अलमारी में बंद करना शुरू कर दिया था। जो साथ ले जाने वाला सामान था मेरे बैग में रख दिया था। विभा जी, लाइब्रेरी की पुस्तकें तो वापस कर दें, पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे, तब तक यहाँ बंद पड़ी रहेंगी, मैंने कहा। बाद में जब दोबारा ढूंढेंगे तो जरूरी नहीं कि आसानी से मिल जाएंगी, विभा ने कहा। सारा सामान सुव्यवस्थित करके मैं अपने निवास पर आ गया था। संस्थान को मैंने सूचित कर दिया था कि मैं अपने इलाज के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। चंदा को बीमारी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया था, सिर्फ यही कहा था कि पेट का ऑपरेशन होगा। ज्यादा नहीं बताया था क्योंकि वे जानते थे कि सुनकर चंदा जी का रक्तचाप बढ़ सकता है या वे खुद भी घोर निराशा में गिर सकती हैं। अगले रोज शनिवार था, संस्थान बंद रहता था। हमने रविवार को शिमला से निकलने का कार्यक्रम बनाया। पहले देहरादून जाना जरूरी था। इलाज में क्या खर्च आएगा मुझे कोई अंदाजा नहीं था, फिर भी पैसों की व्यवस्था तो करनी ही थी। दिल्ली जाना ठीक रहेगा, यही सोचकर कार्यक्रम बनाया था। एक ड्राइवर की भी व्यवस्था करनी थी जो हमें हमारी गाड़ी से देहरादून तक छोड़ दे, क्योंकि मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं इतनी दूर गाड़ी चलाकर ले जा सकूं। संस्थान में कार्यरत सुनील कुमार ने संस्थान के ही एक ड्राइवर राकेश से बात की थी जो हमें देहरादून छोड़कर उसी दिन वापस लौट आएगा। राकेश बड़ी मुश्किल से तैयार हुआ था, वे शायद इसलिए कि गाड़ी जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की थी और वो गाड़ी उसे देहरादून ही छोड़कर शायद किसी और साधन या वाहन से वापस आना होता, इसलिए शायद उसने आनाकानी की होगी। शनिवार को दिन भर लोग आते रहे, जिसे भी पता चला वही मिलने के लिए आया।
मालविका कस्तूरी पड़ोस में थी, वह भी आकर चंदा को समझाती रही। मालविका की मम्मी का इसी तरह का ऑपरेशन सर गंगाराम अस्पताल में हुआ था। उसका कहना था कि आप सीधे सर गंगाराम अस्पताल में डॉक्टर नंदी से संपर्क करें, उम्मीद है सब ठीक होगा। उन्होंने काफी संपर्क सूत्र भी दिए थे, लेकिन डॉक्टर नंदी अपना मोबाइल नंबर किसी को नहीं देते थे। और ये एक सेंसेबल बात भी है, यदि वे हरेक को नंबर बांटने लगे तो ना जाने उनका कितने उनको कॉल्स आते रहे और उनका सारा समय जो है वो कॉल्स पर ही बीत जाएगा। इसलिए आप सीधे उनका अपॉइंटमेंट लेकर उनसे मिले, उम्मीद है आप उनसे मिलकर निराश नहीं होंगे। मैंने अभी तक हुए मेडिकल परीक्षण की तमाम रिपोर्ट मनीष के पास नोएडा भेज दी थी ताकि वे किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह ले सके। मैंने मनीष को मैत्री पुष्पा का पता और फोन नंबर देकर कहा था कि इनसे भी मिल लें, उनकी बेटी और दामाद एम्स में डॉक्टर हैं, एम्स में एडमिशन मिल जाता है तो ठीक रहेगा। मनीष मैत्री पुष्पा जी से मिला था, उनको पेपर भी दिए थे, लेकिन उनकी बेटी का कहना था कि एम्स में ऑपरेशन के लिए एक महीने से पहले नंबर नहीं आ सकता। मेरे पास इतना समय नहीं था, मुझे जल्दी से जल्दी ऑपरेशन कराना था, जैसा कि डॉक्टर कश्यप की राय थी। उनकी राय थी कि ऑपरेशन एक हफ्ते के भीतर हो जाना चाहिए, वरना खतरा जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। देहरादून पहुंचकर सबसे पहले मैंने पैसों का इंतजाम किया था। पड़ोस में ही मदन शर्मा जी रहते थे, जैसे ही उन्हें खबर मिली वे भाभी जी के साथ आ गए थे। चंदा की बड़ी बहन स्वर्णलता भी आ गई थी। धीरे धीरे खबर रिश्तेदारों को मिल गई थी, वे सभी आने लगे थे। मदन शर्मा जी ने कुछ साहित्यकार मित्रों को भी सूचना दे दी थी। विजय गौड़ आए थे, अभी सभी मेरे स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर कर रहे थे। 8 अगस्त की सुबह चंदा मुझे लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गई थी। मनीष को फोन कर दिया था कि हम लोग 1 बजे तक नोएडा पहुंच जाएंगे। उसने डॉक्टर सिमरन नंदी का अपॉइंटमेंट लेकर रखा था। नोएडा पहुंचते ही हम लोग सर गंगाराम अस्पताल के लिए निकल पड़े थे। वहीं हमें रामचंद्र जेएनयू भी मिल गए थे, उन्हें भी सूचना थी कि मैं इलाज के लिए आ रहा हूं। शाम 4 बजे डॉक्टर नंदी ओपीडी में मरीजों को देखते थे। मेरे पेपर देखने के बाद उन्होंने मेरा चेकअप किया और मुझे बाहर जाने के लिए कहा। मैंने कहा, डॉक्टर आप मेरे सामने ही बात कीजिए, मुझे क्या बीमारी है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन वे नहीं माने। बाहर आकर मनीष और रामचंद्र ने मुझे सिर्फ इतना ही बताया कि कल आपको एडमिट होना है और सुबह आकर एडमिशन विभाग से संपर्क करना है। डॉक्टर नंदी ने ऑपरेशन की तारीख 10 अगस्त दे दी है। अगले रोज हम लोग सुबह ही सर गंगाराम अस्पताल में एडमिशन के लिए आ गए थे, लेकिन वहां कोई भी बेड खाली नहीं था। मनीष ने काफी भागदौड़ की थी, लेकिन कोई भी समाधान नहीं मिला था। दिल्ली के अनेक मित्रों को मेरी बीमारी के बारे में खबर मिल गई थी, वे अस्पताल आकर मेरे हालचाल जानने के लिए परेशान थे। अजय नावरिया, हेमलता महेश्वर, रोहतक से अजमेर सिंह काजल, जेएनयू से भी अनेक लोग आए थे, शौरव सिंह बेचैन आए थे। लगभग पूरा दिन बैठकर एडमिशन के लिए प्रतीक्षा करना बहुत तकलीफ देह था। इतनी देर अस्पताल में सख्त कुर्सियों पर बैठना मेरे लिए काफी कष्टदायक था, फिर भी मजबूरी थी। इस कष्ट से बड़े कष्ट का मैं इंतजार कर रहा था, लेकिन दोस्तों को देखकर मुझे काफी ताकत मिल रही थी। बड़ा कष्ट क्योंकि जान की बाजी लगी हुई थी, ऑपरेशन इतना खतरनाक था कि जान भी जा सकती थी। शाम होते होते एडमिशन मिल गया था और मुझे मेरे बेड पर जाने का आदेश हो गया था। ये पहला मौका था जब मैं अस्पताल में भर्ती हुआ था, वह भी इतनी घातक बीमारी के इलाज के लिए जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जूठन आत्मकथा के खंड 1 और 2 में कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं आता कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कभी बीमार भी पड़े हों। जीवट वाले व्यक्ति थे, उन्हें परिस्थितियों से लड़ना आता था। हरिद्वार से विजेंद्र जी भी आ गए थे, रात में मेरे पास वहीं रुके थे। बाकी सभी लोग जो देहरादून से आए थे वे मनीष के साथ नोएडा लौट गए थे। चंदा को भी मैंने कहा था कि अभी चली जाओ, सुबह आ जाना, यहाँ विजेंद्र तो मेरे पास है। चंदा जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने जिद करके उसको भेज दिया था क्योंकि वह काफी परेशान दिख रही थी। नोएडा जाकर थोड़ा आराम कर लेगी, यही सोचकर मैंने उसे जाने के लिए कहा था। उस रात विजेंद्र काफी देर तक बातचीत करता रहा, साथ ही मुझे इस बात के लिए भी आश्वस्त करता रहा कि आप किसी भी तरह की चिंता मन में मत रखिए, हर वक्त मैं आपके साथ हूँ, इलाज ठीक से होना चाहिए, पैसे चाहे जितने लगें, जब तक मैं हूँ किसी से कहने की जरूरत नहीं। ये पल मुझे भावुक कर देने के लिए काफी थे, लेकिन मैंने स्वयं को कमजोर नहीं पड़ने दिया था। मेरे मन में यदि कोई चिंता थी तो वह थी चंदा, जो मानसिक रूप से इतनी मजबूत नहीं थी। छोटी छोटी बातों से घबरा जाने की आदत थी, जिसे मैं अच्छी तरह जानता था। उसके अलावा मेरे मन में कोई किसी भी प्रकार की चिंता नहीं थी।
वैसे भी मुझे कभी भी मृत्यु का खौफ नहीं लगा। मृत्यु का खौफ लगता तो शायद इतना लोहा नहीं लेते समाज से। जब तक सांसें चल रही थी तभी तक दुनिया भर की हाय तौबा है। आंख बंद होते ही सब कुछ खत्म हो जाता है। यदि कुछ बचता है तो वे है आपके द्वारा किया गया काम, अन्यथा कोई किसी को याद नहीं करता। ना जाने किस क्षण में मेरे मन में मरने का खौफ खत्म हो गया था। अस्पताल के बेड पर लेटे हुए भी मैं अपने आप को सहज महसूस कर रहा था। सही तो कहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने कि आपका काम बोलता है। अंबेडकर नामा पर जूठन के मूल पाठ को जो मैं आप लोगों के लिए पढ़ रही हूं और आप लोगों तक पहुंचा रही हूं, ये उनका किया हुआ काम ही तो है जो अंबेडकर नामा के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच रहा है। विजेंद्र ने कहा, अंकल जी आंटी को लेकर किसी भी तरह की कोई चिंता लेकर आप ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाएंगे। यदि आप कमजोर पड़ गए तो हम सब कमजोर पड़ जाएंगे। आपने जिस तरह का जीवन जिया है वह साबित करने के लिए काफी है कि आप किसी भी परिस्थिति से हार मानने वाले नहीं हैं। आप हर बार विपरीत परिस्थितियों में जीते हैं, इस बार भी आप जीत कर ही वापिस आएंगे, यह मेरा विश्वास है। उसी वक्त अस्पताल का नाई आ गया था। सर आपका ऑपरेशन होगा, इसी सिलसिले में मैं आया हूँ। आप सीधे लेट जाइए, मुझे आपके शरीर की सफाई करनी है। और बिना देर किए उसने मेरे सारे कपड़े उतार दिए थे। पूरी रोशनी में एक अनजान व्यक्ति के सामने मैं बिल्कुल नग्न अवस्था में लेटा था। इससे पूर्व कभी मैंने ऐसी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसी स्थिति से भी मुझे गुजरना पड़ सकता है। उसने मेरे सारे कपड़े उतार दिए थे और अपने यंत्र सजाने लगा था। मेरे लिए ये सहज नहीं था। उसने एक छोटी सी मशीन निकालकर मेरे जिस्म के बालों की सफाई करना शुरू कर दिया था। कुछ देर के लिए विजेंद्र उठकर बाहर चला गया था। सिर के बालों को छोड़कर शरीर का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं था जहां उसने मशीन न घुमाई हो। उसके बाद तौलिए से पूरे शरीर को ठीक से पोंछा था। अपना काम खत्म करके उसने मुझे अस्पताल के कपड़े पहना दिए थे। इस असहज स्थिति का भी उन्होंने कितनी सहजता से चित्रण किया है। इसमें मार्मिकता तो है लेकिन अश्लीलता कहीं नहीं है। उसके जाते ही विजेंद्र अंदर आ गया था। रात के लगभग 12 बज चुके थे। विजेंद्र ने मुझे देखते हुए कहा, अंकल जी आप अब सो जाइए, दिन भर के थके हुए हैं, कल ऑपरेशन भी होना है। मैंने हंसते हुए कहा, विजेंद्र जो होना है होने दो, यह रात है जिसे हम ढेर सारी बातों के साथ गुजार सकते हैं। पता नहीं फिर दोबारा ये रात आए या ना आए, कम से कम ये तो याद रहेगा कि हमने उस रोज कितनी बातें एक दूसरे से साझा की थी। विजेंद्र मुझे अजनबी नजरों से देख रहा था। मैंने उसे इस तरह देखते हुए पूछा, क्या हुआ, इस तरह क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं, यही तो चाहिए आपसे, इसी तरह की आपकी सोच हमें ताकत देती है, विजेंद्र ने मुस्कुरा कर कहा। मुस्कुरा तो वो थे लेकिन इस बात में कितना मर्म है, कितनी वेदना है जिसे सहजता से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हंसी में उड़ा जाते हैं। उस रात देर तक हम लोग घर परिवार समाज और दुनियादारी की बातें करते रहे। अगले दिन मेरा ऑपरेशन होगा, इस विचार को मैंने अपने आसपास भी नहीं आने दिया था। सुबह होते ही अस्पताल की रूटीन गतिविधियां शुरू हो गई थी। एक के बाद एक नए डॉक्टर लगातार आ रहे थे। कभी ब्लड टेस्ट तो कभी रक्तचाप, कभी शुगर टेस्ट तो कभी एक्सरे की गतिविधियां चल रही थी। एक और ड्रिप चढ़ा दी गई थी तो दूसरी ओर हाथ में सुइयां चुभोकर हाथ में जगह जगह निशान डाल दिए गए थे। चंदा और मनीष नोएडा से आ गए थे। चंदा की बहन स्वर्णलता विनीता वीरेश आ गए थे। राजीव भी पहुंचने वाले थे। दिल्ली में से अनेक मित्र आ रहे थे, यानी मैं इस घड़ी में अकेला नहीं था। ये मेरे लिए एक बड़ा सुकून भरा एहसास था। चंदा को भी लग रहा था कि वे अकेली नहीं है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर चिंताएं साफ साफ दिखाई दे रही थी। समाज के लिए काम करने वालों को समाज भी अकेला नहीं छोड़ता, ये बात तो फैक्ट है। मैं जानता था कि मेरा एक बड़ा ऑपरेशन होने वाला है जिसमें कुछ भी घट सकता है, अच्छा या बुरा। प्रत्येक प्रतिकूल परिस्थिति के लिए मैं मानसिक रूप से तैयार था, लेकिन मन के एक कोने में एक चिंता बार बार दस्तक दे रही थी। चंदा जिस तरह से प्रत्येक चीज के लिए मेरे ऊपर निर्भर रहती है, यदि मुझे कुछ हो गया तो वह कैसे चल पाएगी। चंदा स्वयं को सहज दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं उसकी मनोदशा को समझ रहा था। फिर भी वह काफी शांत और संयत थी। विजेंद्र ने शायद इन स्थितियों को ठीक से पकड़ लिया था। मेरे पास आकर विजेंद्र ने कहा, अंकल जी आप मन में कोई बोझ लेकर ऑपरेशन थिएटर में मत जाना, हम सबको आपकी जरूरत है। आंटी की ओर से आप निश्चिंत रहें, अस्पताल का जो भी खर्चा आएगा उसे मैं वहन करूंगा।
मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, यदि जरूरत पड़ी तो देहरादून के केदारपुरम में मेरा एक फ्लैट है, उसे बेच देना। वह घर जिसे बनाने के लिए तमाम उम्र उन्होंने इंतजार किया, कितनी मुश्किलात का सामना किया और आज उस मुकाम पे खड़े थे कि उसको बेचने की बात कर रहे थे, कितना दुखद है। अंकल जी ये सब छोड़ो, विजेंद्र ने मुझे आश्वस्त करने की कोशिश की। लगभग शाम के 4:30 बजे अस्पताल के कर्मचारी मुझे ऑपरेशन थिएटर ले जाने के लिए आ गए थे। जाने से पहले मैंने देखा सभी रिश्तेदारों के पीछे चंदा एकदम शांत खड़ी है। मैंने पास आने का इशारा किया था, जैसे ही वे पास आई मेरी आंखें भर आई थी। अस्पताल कर्मी 6th फ्लोर पर ऑपरेशन थिएटर में ले गए थे। जब वे मेरे ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे तो डॉक्टर सिमरन नंदी, जो मेरा ऑपरेशन करने वाले थे, ने मेरे पास आकर कहा, हमारी पूरी कोशिश रहेगी, फिर भी आपकी हिम्मत और पॉजिटिव थिंकिंग अर्थात सकारात्मक सोच हमारे काम को सफल बनाएगी, इसलिए हिम्मत रखना। डॉक्टर आप निश्चिंत रहिए, मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ, आप अपना काम शुरू कीजिए, मैं ऑपरेशन के लिए तैयार हूँ, मैंने हंसते हुए कहा। डॉक्टर सिमरन नंदी ने मुस्कुराकर मेरी ओर देखा, वेरी नाइस, यही सोच तो चाहिए। ओम प्रकाश जी थोड़ा सा एक तरफ करवट लेंगे, एक अस्पताल कर्मचारी ने कहा, वे ऑपरेशन की तैयारी में लगा था। मैंने शरीर को दूसरी ओर झुकाया, उसने कहा, ओम प्रकाश जी एक छोटी सी सुई लगा रहा हूँ, दर्द होगा तो बताइए। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं, क्योंकि उनको एनेस्थीसिया का असर शुरू हो गया था। जब होश आया तो खुद को आईसीयू के रिकवरी रूम में पाया। मेरे इर्द गिर्द 3-4 अस्पताल कर्मी हरे रंग के कपड़ों में व्यस्त थे। एक कर्मचारी ने पूछा, ओम प्रकाश जी कैसा लग रहा है? अभी तो मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ, यदि आप लोग मेरी पत्नी को यहाँ बुला दें तो अच्छा रहेगा, मैंने लड़खड़ाती आवाज में कहा। मुझे अपनी ही आवाज पर ऐसी लग रही थी, एक एक शब्द घुट घुट कर बाहर आ रहा था, शरीर की अशक्तता ने आवाज को भी तोड़ दिया था। इससे पहले ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को कभी भी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा था, तो ये उनके लिए काफी असमंजस भरा भी था। अभी अनाउंस कराते हैं, कर्मचारी ने मुझे आश्वस्त किया। थोड़ी देर बाद सिर से पांव तक हरे कपड़ों में ढका जो शख्स मेरे सामने खड़ा था वह चंदा नहीं विजेंद्र था, जिसे मैंने उसकी आवाज से पहचाना था। अंकल जी ठीक हो? तुम्हारी आंटी कहाँ है? मैंने उससे पूछा। ऑपरेशन में देर लग रही थी और रात में ऑपरेशन के बाद कई घंटे तक किसी को भी ना मिलने देने की डॉक्टर की हिदायत थी, इसलिए आंटी को मनीष नोएडा ले गए हैं। यहाँ वे काफी परेशान लग रही थी, सुबह होते ही आ जाएंगी। आप कैसे हैं? विजेंद्र ने दूर खड़े खड़े कहा। दूर खड़े खड़े क्योंकि ऑपरेशन के तुरंत बाद संक्रमण होने का खतरा बना रहता है, इसलिए मरीज से दूरी बना के रखी जाती है। मैं ठीक हूँ, आप यहाँ अकेले हैं? बाकी सब लोग कहाँ हैं? मैंने जानना चाहा। देहरादून से जो लोग आए थे वे सब आंटी के साथ नोएडा चले गए हैं, लेकिन काफी लोग बाहर अभी भी आपके ऑपरेशन थिएटर के बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब अनाउंस हुआ है तो उन्हें तसल्ली हो गई है और अब वे वापस जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त किसी को भी आपसे मिलने की इजाजत नहीं है, विजेंद्र ने जल्दी जल्दी कहा, क्योंकि अस्पताल कर्मी उन्हें ज्यादा बात करने से मना कर रहे थे। कुछ देर बाद डॉक्टर सिमरन नंदी आए थे। मेरा हाल चाल जानने कैसे हो? अभी तो सिर्फ मस्तिष्क और स्मृति जागे हैं, शरीर का तो अभी पता ही नहीं है, मैंने टुकड़े टुकड़े शब्दों में कहा। थोड़ी देर में शरीर में भी हरकत आ जाएगी, अभी इंजेक्शन का असर है, हमने बीमारी को जड़ से मिटा दिया है, अब आपको हौसला रखना है, कहते हुए उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी, जिसे मैंने अपनी मुस्कान से मिलाकर उनका साथ दिया था। मुझे समय का अंदाजा नहीं था, पलंग पर एकदम सीधे लेटा हुआ सिर्फ अस्पताल के रिकवरी रूम की छत को देख रहा था, जहां किस्म किस्म के यंत्र लटके थे, जिन्हें अपने आप से जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे बार बार ये एहसास घेर रहा था जैसे मैं ठीक से सोच नहीं पा रहा हूँ। अस्पताल के ये सभी यंत्र मेरे लिए अजनबी थे, बिल्कुल थे, क्योंकि उन्हें कभी इन सब को देखने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई थी जिंदगी में। मेरी चेतना पर कई लोग, मित्र रिश्तेदार एक साथ दस्तक दे रहे थे। मैं बिना हिले डुले अस्पताल के बिस्तर पर लेटा था। मैं उन सभी चेहरों को याद करने की कोशिश कर रहा था जो देर रात तक अस्पताल में मेरी इस त्रासदी का हिस्सा बन रहे थे। शायद इन सभी के कारण मैं रिश्तों की गरिमा और गहराई को समझ सका था। वे सब मेरे कौन थे, शायद उस वक्त बता पाना मेरे लिए कठिन था। अगले रोज लगभग 10 बजे सुबह मुझे रिकवरी रूम से मेरे उस कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था जो मुझे अलॉट किया गया था।
वहां उस समय चंदा, विजेंद्र, मनीष, चंदा की बड़ी बहन स्वर्णलता मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। चंदा को देखकर ही लग रहा था जैसे वह रात भर नहीं सोई थी। बिल्कुल, चिंता के मारे नींद भी कैसे आती। मनीष ने बताया कि जेएनयू के छात्रों ने मेरे लिए रक्तदान किया था। अस्पताल ने 6 यूनिट का अंदाजा लगाया था, लेकिन जेएनयू के छात्र 8 यूनिट रक्तदान दिया था। और चंदा ने अस्पताल में आने वाले लोगों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इनमें ज्यादातर जेएनयू डीयू के छात्र छात्राएं, प्रोफेसर, सामाजिक कार्यकर्ता, मित्र, मेरे पाठक आदि थे। हरियाणा, पंजाब तथा दिल्ली से आए दलित कार्यकर्ता अधिक थे। उनकी मौजूदगी से चंदा को भी ताकत मिली थी। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जयंती 30 जून 2021 को अनिता भारती जी के साथ बातचीत के दौरान अनिता भारती जी ने भी इस चीज का जिक्र किया था कि ऑपरेशन के दौरान इतने लोग मिलने आ रहे थे कि जिसे देखकर अस्पताल में सभी लोग हैरान और परेशान थे कि आखिर वे हैं कौन। जैसे जैसे लोगों को खबर मिल रही थी मेरा ऑपरेशन हो चुका है, आने जाने वालों का तांता लगा था। जबकि डॉक्टर की हिदायत थी कि मेरे पास बाहर से लोग कम से कम आए। संक्रमण का खतरा था, कुछ लोगों को बिना मिले ही लौटना पड़ा था। रमणिका गुप्ता, शौराज सिंह बेचैन, अनिता भारती, अजय मिश्रा, रजनी तिलक, सुशील टाक भोरे नागपुर देहरादून से, गीता गैरोला, मेरे बचपन के मित्र सुखण सिंह, राम सिंह, उनके बेटे दिनेश, रजनीश और उनकी पत्नी, रोहतक से अजमेर सिंह काजल, मदन कश्यप, हेमलता महेश्वर, पूनम गुलाब, सूरज बड़त्या, दिलीप, मुकेश और कौशल पवार आदि ने मेरा जो हौसला बढ़ाया वे मेरे लिए एक उपलब्धि के समान है। मुकेश ने अस्पताल में मेरी जो सेवा की उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। हैदराबाद से आए डॉक्टर धर्मपाल अपना काम धंधा छोड़कर कई दिन मेरी सेवा में लगे रहे। अस्पताल में मुझे काफी दिन रहना पड़ा था। इस बीच डॉक्टर पल्लव ने हिंदू कॉलेज के अनेक छात्रों को मेरी सेवा के लिए लगातार भेजा था। उस वक्त मैं भी हिंदू कॉलेज में ही थी, लेकिन मुझे इस चीज का एहसास नहीं था और ना ही इस बारे में मुझे कोई जानकारी थी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी सर गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट हैं और हिंदू कॉलेज से कई छात्र छात्राएं उनकी सेवा में लगातार जा रहे हैं। इस चीज का मुझे भी अफसोस रहेगा। दिन भर चंदा अस्पताल में मेरे पास रहती थी और रात में छात्रों ने कभी भी चंदा को अस्पताल में रुकने नहीं दिया था। मैडम, आप जाकर आराम कीजिए, रात में हम सर की देखभाल करेंगे। मिहिर पांड्या, असीम अग्रवाल, अंकित, भंवरलाल मीणा, नौशाद अली, सत्या आदि ने जिस सेवा भाव का परिचय दिया वह मेरे लिए एक विश्वास का सबब बन गया था। रात भर जाग जाग कर इन छात्रों ने जिस तरह मेरी सेवा की, मेरे गंदे कपड़े बदले, मुझे शौचालय में ले जा जाकर साफ करवाया, इन सब ने मेरे भीतर एक अजीब सा एहसास भर दिया था। एक ऐसा एहसास जिसे मेरी सोच और विश्वास को और ज्यादा मजबूत कर दिया था। मैंने चंदा से कहा था, देखो तुम परेशान रहती थी कि हमारा कोई बच्चा नहीं है, ये बच्चे जो इस वक्त जात पात भूलकर जिस तरह मेरी सेवा कर रहे हैं, क्या हमारे अपने बच्चे इनसे ज्यादा कर सकते थे? शायद नहीं। ये कौन है हमारे, क्या रिश्ता है इनसे, फिर भी रात रात भर जाकर मेरी देखभाल कर रहे हैं बिना किसी स्वार्थ के, क्या ये मेरे अपने नहीं है? इन बच्चों ने साबित कर दिया है कि समाज बदल रहा है, जिसे पहचानना जरूरी है। मेरी तमाम शिकायतें धराशाही हो गई थी। डॉक्टर पल्लव तथा डॉक्टर देवेंद्र चौबे मेरी इस त्रासदी में हर पल मेरे साथ थे। नमिता गोखले, अशोक वाजपेयी, रेखा अवस्थी, मुरली मनोहर प्रसाद सिंह, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, रविन्द्र कालिया, अलोक जैन ज्ञानपीठ तथा अलोक माहेश्वरी राजकमल मेरे साथ खड़े थे और इस बीमारी से लड़ने के लिए मेरा हौसला बढ़ा रहे थे। इन सबका मेरे साथ खड़ा होना मेरी सोच और मान्यताओं को बदल रहा था। मुकेश और कौशल पवार ने रात दिन हर तरह से मेरा साथ दिया और मेरी ताकत बने। डॉक्टर गुलाब, हेमलता महेश्वर का अपनापन और सहयोग मेरे जीवन की उपलब्धि है। कैलाश चंद चौहान के बारे में जो भी कहूंगा वह कम ही होगा। इस त्रासद घड़ी ने एक पारिवारिक बेहद आत्मीय मित्र दिया जिसे मैं जीवन भर अपना बनाकर रखने की कोशिश करता रहूंगा। असंग घोष ने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। मुझे जीने का एक मकसद दे दिया था। मेरे पुराने मित्र शिव बाबू मिश्र लगातार मेरा हौसला बढ़ाते रहे। कैलाश वानखेड़े आदि मित्रों का सहयोग मिलता रहा। ब्लॉग व फेसबुक आदि के जरिए अनिता भारती, रजनी तिलक तथा अशोक पांडे ने जिस तरह मुझे पाठकों से जोड़े रखा वह मेरे लिए गहरे विश्वास का कारण बन रहा था। आज सोचता हूँ इस त्रासद घड़ी में जहाँ मुझसे
बहुत कुछ छीना है, वहीं मुझे बहुत कुछ ऐसा भी दे दिया है जिसने मेरे भीतर जीने की एक गहरी ललक पैदा कर दी है। एक बहुत बड़े परिवार से मुझे जोड़ दिया है जहां ना जाति की दीवारें हैं ना धर्म की। बदलाव जरूर आएगा, इसमें वक्त लग सकता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के आखिरी शब्दों में उन्होंने बदलाव को महसूस किया था शिद्दत से। 12 मई 2013 को उन्होंने एज अ फेलोशिप फेलो ज्वाइन किया था उच्च शिक्षण संस्थान शिमला में, और 10 अगस्त 2013 को उनका ऑपरेशन हुआ था जो काफ़ी सफल रहा था, लेकिन वे इसे ज़्यादा उनका शरीर इसको झेलने में सक्षम ना हो सका और 17 नवंबर 2013 महज कुछ महीनों के अंतराल पर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हम सबको छोड़कर इस दुनिया से विदा लेकर चले गए। तो आज का एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है, और सिर्फ एपिसोड ही नहीं जूठन के दोनों खंडों का आज यहाँ समापन हुआ है। उम्मीद है आपको ये कथा ये आत्मकथा पसंद आई होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में नई किताब के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।